इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार बोर्ड से, लाखों छात्र इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई के लिए कब होगा इसका इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, इंटर में अप्लाई शुरू हो गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, OFSS इंटर एडमिशन 2022। चलिए सबसे पहले मैं बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति बताता हूँ। बहुत सी बातें जाननी है कि कैसे एडमिशन होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा, तो मैं सीधे बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति की ओर आपको ले चलता हूँ। तो देखिए, ये रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2022-24 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के में नामांकन के हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। सबसे पहली बात यह है कि दिया गया है कि आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें, तो आपको पूरा पढ़ना है। और OFSS वेबसाइट जो है आपका www.ofssbihar.in से कॉमन्स प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर, ये कब डाउनलोड होगा तो मैं बता दे रहा हूँ अभी तुरंत तुरंत कि आज 2 बजे से ये कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होगा। सबसे बड़ी बात जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है वो ये कि कब से अप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पर 22/6/2022 से, कल से ही 30/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है और इसी डेट के अंदर आपको इंटर में अप्लाई करना है। चूँकि बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, चूँकि उनका अभी परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है इसलिए उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाएगा, उनके लिए घबराने की बात नहीं है। तो आज आप क्या करेंगे कि 2 बजे के बाद OFSS वेबसाइट पर जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसको ध्यान से पढ़ना इसलिए आवश्यक है, मैं अभी यहाँ बताऊँगा उसकी मुख्य बातें मैं बता दूँगा, कि आप कट ऑफ देख सकें कि पिछले साल किस कॉलेज में कितने नंबर वाले बच्चे का एडमिशन हुआ था, उसी के अनुसार आपको भी एडमिशन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप तैयार क्या रहेंगे, जो मेन बात ये है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा। ऐसे समझे कि आपके 2 भाई बहन हैं, एक ही मोबाइल है, तो उससे काम नहीं चलेगा, किसी और का भी एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी भी एक्टिव होना चाहिए। यदि आप अभी तक ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव नहीं है, यानी मोबाइल में या सिस्टम में कहीं भी आपको ईमेल आईडी पे, चूँकि OTP आएगा, एप्लीकेशन करते समय में OTP आता है, तो आपको दोनों एक्टिवेट करना ही होगा, आप अभी से करवा लें। दूसरी बात कि मैं बताना चाहूँ कि अपने यहाँ तो बहुत सारी बातें बताई गई है, मेन बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए बता ही दिया मैंने, आप कहीं से भी आपका जो पहले सबसे पहले जान लीजिए, एग्जामिनेशन फीस क्या है, 350 रुपया है, ये क्या है, ऑनलाइन शुल्क है। इसके अलावे जो जहाँ आप जाते हैं अप्लीकेशन भरवाने के लिए, तो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं या उनका जो चार्जेज हैं वो एक्स्ट्रा लगेगा। आप कहीं से भी भरवा सकते हैं, साइबर कैफे से, खुद से भर सकते हैं, और अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान से कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, ताकि आप अपना आवेदन खुद से भी भर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको अपना बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि तैयार रखेंगे, अपना फोटो आप तैयार रखेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बारे में मैंने बता भी दिया है। उसके बाद आप जो है ब्राउजर खोलेंगे, किसी भी ब्राउजर से जाएंगे, www.ofssbihar.in पर जाएंगे, उसमें सामान्य कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है दिए गए दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप भी पढ़ सकें। चेक बॉक्स आएगा, उसके बाद आई एक्सेप्ट करना है, उस शर्तों को स्वीकार करना है, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि भरनी है, बाकी सूचनाएं अपने आप जो है उसमें आ जाएगी। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है, अन्य बोर्ड वालों के लिए चूँकि इनका रिजल्ट ही अभी नहीं निकला है तो बाद की बात है। फोटो भी आपको अपलोड करना है,
इसके बाद आपको करना क्या है अभी से जान लें, क्योंकि कल से शुरू होगी प्रक्रिया। तो आपको न्यूनतम 20 विकल्प जो है, 20 कॉलेज का लिस्ट आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कम से कम 20 आप जो रेफरेंस देंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए, वो कि आपका यदि फर्स्ट चॉइस ये कॉलेज है, इसके बाद ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, तो कम से कम 20 विकल्प आप याद रख लेंगे। उसमें आपको आएगा ड्रॉप डाउन में आएगा जिला पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज का नाम आ जाएगा, उसके बाद आप जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, मॉडिफाई यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म करने के बाद OTP जाएगा, ध्यान दीजिए OTP आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर जाएगा। तो इसके लिए आप, मैंने पहले ही कह दिया है कि मोबाइल और ईमेल आईडी आप तैयार कर रखेंगे। तो ₹350 जब तक आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, ध्यान दीजिए, बहुत सारे साइबर कैफे वाले क्या करते हैं कि किसी कारणवश यदि ट्रांजेक्शन में इरर आ गया या नेट का स्पीड स्लो है तो वो ₹350 एप्लीकेशन में जमा नहीं हो पाता है। प्रिंट आउट आप जब निकालेंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा सक्सेस, तभी आप लेंगे उसको, और तब यह समझा जाएगा कि आपने आवेदन कर दिया है। केवल बिना आवेदन किए हुए, पैसा जमा किए हुए आप सोचेंगे कि मेरा आवेदन जमा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप अभी से क्या करें कि दूसरी बात, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप अपना एडमिशन घर पर ही रह करके कहीं कराना चाहते हैं तो आसपास के जो प्लस टू विद्यालय हैं उसमें सीट की संख्या बढ़ाई गई है, तो उसमें आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। यदि पहले से उस कॉलेज में उसकी सुविधा है, उस विद्यालय में प्लस टू की पढ़ाई हो रही है, तो आपको एडमिशन चार्ज भी आपको नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन चार्ज नहीं, ये तो ₹350 सबको लगेगा। आप इस कॉलेज में जो नाम लिखाते हैं उसके बाद जो एडमिशन चार्ज होता है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, जब उसी कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं। तो ये कल से खुलेगा और आज आपको 2 बजे के बाद, ये मैं देखता हूँ यदि इस समय मुझे मिला तो मैं आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस में बताऊँगा। उसमें क्या होगा कि कट ऑफ देख लेंगे आप कि पिछले साल किस कॉलेज में कितने नंबर वाले के लिए एडमिशन हुआ था। और मैं एक और सलाह देना चाहता हूं कि ये सारे एप्लीकेशन आप जो इसके अच्छे जानकार हैं वहां से आप कराएंगे तो आपको सुविधा नहीं होगी, आपका सिलेक्शन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में ही हो जाएगा, नहीं तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। और यदि आपका मान लो कम नंबर है उसमें फर्स्ट सिलेक्शन में दे दिया गया, फर्स्ट च्वाइस में किसी अच्छे कॉलेज का दे दिया गया, तो आप भटकते रहेंगे, फिर सेकेंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फिर लास्ट में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन की बात होती है, स्पॉट एडमिशन, उसमें चला जाएगा। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जो कुशल हैं उन्हीं से आप जो है एडमिशन ये फॉर्म भरवाएं तो अच्छा रहेगा। तो इस जानकारी को ज़्यादा से लोगों के बीच शेयर कीजिए, किसी भी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको सहायता करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।